क्या मम्मी को वो अम्मी बोलता था, तो मेरी मम्मी को बोला, बोले अम्मी को बोल दे, बोले कि तेरा एक बेटा चार से तीन ही रही है, बोले 5:18 पे मुझे उसने फोन लगाया और यही बोला, मैंने बाइक काला और वैसे उसको देखने गया तो देखा तो लटकेलता वो। में दिन ब दिन फांसी लेने की वारदात बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है? आज फिर एक नौजवान बच्चे ने फांसी ले ली। अस्सलामुअलैकुम, देखो आज फिर एक हादसा हुआ, आयशा नगर गली नंबर 7, शेख फैजान शेख सादिक नौजवान लड़का है, 21 साल वो बच्चे की उम्र है, आज उसने फांसी ले ली। जब उसके दोस्त को फोन आया 5:18 के ऊपर, उसको बोला उसने उसके दोस्त को क्या अपने में से एक दोस्त कम हो जाएगा, तो उसने बोला उसको कि यार ये सब बातें मत कर, उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने दोबारा फ़ोन किया उसके दोस्त ने जिसको फ़ोन आया था, तो बार बार मुसलसल उसको फ़ोन करते गया लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं। ये बच्चा जब भाग के गया तो देखा तो वो लटका हुआ था, ये बच्चे ने उनको उतारे और उसको तुरंत नया फारा हॉस्पिटल में ले गया। कुछ देर तक उसके साथ चली लेकिन उसका इंतकाल हो चुका। अभी उसको यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल लेके आया गया है और अभी पुलिस भी आ रही है, पंचनामा हो। मैंने जुम्मा के दिन, ये जुम्मा जो गया, पिछले जुम्मा जो गया नुमाई नगर, जो दूसरी गली में लड़की ने फांसी ली थी, कुरैश बिरादरी की बच्ची, मैंने कहा कि देखो हमारा काम है कि हमारी फैमिली के अंदर, मैंने कहा क्या हम जब दोपहर में या खाने के लिए बैठे या शाम के अंदर जब खाने के लिए बैठे ईशा की नमाज के बाद, तो हमारे बच्चों से हम बात करें ताकि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। देखो आज नहीं पूछे माँ बापों ने, हर माँ बाप का वो भले अच्छा है तो कोई भी हालात मिले, लेकिन हमारा काम बनता क्या वो बच्चों से कम मालूम ले क्या चल रहा, कारोबार चल रहा नहीं चल रहा, कोई तकलीफ है कर्जा है कुछ भी अगर बात है ना, तो बच्चों से शेयर करो ताकि बच्चे कोई गलत कदम ना उठाए। देखो ये बच्चा चले गया, आज फिर एक माँ का लाल एक बच्चा एक आज दुनिया से चला गया और उसने सबको दुख दे के चला गया, पूरे आशा नगर को दे दिया, दोस्त अहबाबों को दे दिया। मेरी फिर से मालेगांव के तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, हिंदू मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि हमारे बच्चों से हमारे दोस्तों अहबाबों से हम पूछो कोई तकलीफ तो नहीं है उन्हें, कोई तकलीफ रही तो शेयर करो एक दूसरे ताकि ये हादसा रुक सके। देखो हादसा ऐसा होता है कि हादसा होने के बाद मालूम पड़ता है, लेकिन अगर हम अगर एक दूसरों से हमारे बच्चों से हमारी फैमिली के लोगों से अगर पूछ लेंगे, एक बाप का काम बनता है कि बच्चों से पूछे और एक बच्चे का काम बनता है बाप से पूछे कि अब्बा कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कि बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है, तो हम एक दूसरे से अगर पूछेंगे और एक दूसरे से अगर शेयर करेंगे तो कम अज़ कम मैं समझता हूँ ये जो फांसी की वारदात है ये कम होंगी, कहीं ना कहीं तक तो कम होंगी इंशाल्लाह अगर चाहते हो। या अगर इसको ऐसा भी किया जा सके, बच्चे अगर माँ बाप से नहीं कहते तो शहर में एक कमेटी बनाई जाए कि जो लोग मतलब अपने माँ बाप से नहीं ऐसी बातें कर सकते वो कमेटी से मुलाकात करें, जो भी परेशानी होंगी उनकी। देखो ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो कमेटी तो ठीक हम तस्कील करेंगे इंशाल्लाह, कमेटी पूरे शहर के लेवल के ऊपर बनाएंगे, तमाम तंजीमों को लेके, अदारों को लेके, मदरसों के लोगों को, उलमा इकरामों को लेके हम ज़रूर इंशाल्लाह कमेटी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज जितने भी यहाँ खड़े हैं, जितने भी मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी माँ बहन मेरी बच्चियाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे की सहेली रहो एक दूसरे के दोस्त रहो, हम हमारे एक दूसरों के दोस्त से हम आपस में पहले पूछ ले, बोलते हैं ना कि पहले पड़ोस से पूछो, आजू बाजू से पूछो, दोस्त अहबाबों से पूछो, पहले हम अपने दोस्तों की मालूमात निकालो कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर वो तकलीफ़ हमारे दोस्त अहबाब अगर हमको अगर शेयर करते हैं, हाँ ये तकलीफ़ है, कर्ज़ है, जो भी तकलीफ़ है लड़की के लड़की के मामलात है, जो भी दीगर मामलात है, उनको कोई परेशान कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई भी मामला अगर हो तो वो अपने दोस्तों अहबाबों से शेयर करे, और जो जब दोस्तों अहबाब को मालूम पड़े तो हमारे ऐसे लोगों से जितने भी सोशल वर्कर लोग हैं पूरे शहर के अंदर या आपके एरिए के अंदर जो आपके नगर सेवक है भाविक मगर सेवक जितने भी, आप उनसे शेयर करें, वो हमसे शेयर करें ताकि उनकी मुसीबत उनकी तकलीफ़ हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हल करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी तकलीफ़ रहो, चाहे उसकी कर्जे की तकलीफ़ रहो, चाहे दीगर तकलीफ़ हो, उसकी निजी तकलीफ़ रहो, इंशाल्लाह हम बरोबर उसकी तकलीफ़ को दूर करेंगे अल्लाह ने चाहा। बोला क्या वजह, कैसा उनका नेचर है, गुस्सा चिड़चिड़पन या कोई ऐसा कुछ ऐसी लगता था आपको, ऐसा कुछ देख के लगा था कि परेशान थे वो, कहीं ऐसा आपको ऐसा लगता था कि वो परेशानी में लगा नहीं, हमको परेशान है कुछ ऐसा नहीं। दोपहर में हम लोग जोर पड़ के साथ में निकले तो कुछ हंसी के साथ सब एकदम आराम से था, क्या टेंशन की बात नहीं थी। क्या काम करते थे वो? सब्जी गाड़ी लगा थे, सब सब्जी वाले आपके साथ में रहते थे, आपके दोस्त थे, मस्जिद के बाद लगा तो कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई परेशानी है, उन्होंने कभी ऐसे बताया नहीं कुछ?
मसला मसाइल कुछ नहीं, परेशानी तो सब अच्छा रहो, हमारे साथ इतना मास बोल के रहता तो कोई टेंशन नहीं। आप लोगों को किसी को फोन करके मतलब कुछ बताया उसने? बब्बू को बताया क्या? मम्मी को, वो अम्मी बोलता था तो मेरी मम्मी को बोला, बोले अम्मी को बोल दे, बोले कि तेरा एक बेटा चार से तीन ही रही है, बोले 5:18 पे मुझे उसने फोन लगाया और यही बोला। मैंने बाइक का कलर वैसे उसको देखने गया तो देखा तो लटकेलता वो घर में अकेला था। हाँ वो गिरवी घर लिए गया, पर हमने वो मकान में अकेला बना।